जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। रात में तकिए के नीचे रख कर के ये सोई चीज सुबह उठते दिखे चमत्कार। दोस्तों, हमारा जो शयन कक्ष होता है वह हमारे घर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इस शयन कक्ष में हमें कौन सी चीज रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, इस बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे शयन कक्ष में होनी नहीं चाहिए, फिर भी हम उसे रख देते हैं और उनको रखने पर नकारात्मकता बढ़ जाती है। नकारात्मकता बढ़ने से ग्रह कलेश बढ़ जाता है, हमारी जो तरक्की है वो रुक जाती है, सुख समृद्धि के साधन खत्म हो जाते हैं, हमारा भाग्य सो जाता है। तो दोस्तों, शयन कक्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कक्ष होता है, क्योंकि हम इस शयन कक्ष में हमारे 8 से 10 घंटे बिताते हैं सोने के लिए। और वो जब जहाँ पर हम सोते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे घर का। इस कारण से यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शयन कक्ष में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। यदि हम ऐसी चीज़ें रखेंगे तो हमारे भाग्य, हमारी किस्मत खराब हो जाएगी और हमारे आगे जितने भी कार्य हैं वो सब रुक जाएंगे। भले ही हमारे भाग्य में पैसा है, सब कुछ है, फिर भी वो पैसा भी हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रात को तकिए के नीचे ऐसी कौन सी चीज़ें रखी जाए जिससे कि हमारे जीवन में सकारात्मक जो ऊर्जा है, सुख समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति हो, तो तकिए के नीचे वो चीज़ें हमें रखनी चाहिए। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर की गरीबी हमारी खत्म हो जाती है। ये चीज़ें हमारे भाग्य को चेता सकती हैं, हम सुख पा सकते हैं और सुख समृद्धि पा सकते हैं, हमारा भाग्य चमक सकता है और सारी परेशानी हमारी जीवन की खत्म हो सकती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे और साथ ही अपनी राशि जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, ताकि हमें पता लगे कि आपकी कौन कौन सी राशियाँ हैं। जितनी ज़्यादा राशियाँ जो जब से ज़्यादा बार रिपीट होगी उसके बारे में हम आपको वीडियो बनाकर जरूर देंगे, ताकि आपकी राशि से संबंधित वीडियो भी आप आपको बता सकें। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, यदि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा है तो। दोस्तों, आप भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करेंगे तो भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक ऊर्जा लाती है और इनको तकिए के नीचे सोने से माँ लक्ष्मी हम पर टूटती है और माँ लक्ष्मी का हम पर आगमन होता है। खासकर महिलाओं को ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में देनी चाहिए कि तकिए के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें रख कर के सोने से हमारे जो भाग्य है और हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो कैसे आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे तकिए के नीचे एक चीज़ को रखकर हम हमारी तरक्की कर सकते हैं और सारी परेशानी को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इन चीज़ों को कहीं पर लिख लीजिए और अपने नाते रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचा दीजिए, अर्थात इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने नाते रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी इसके इन चीज़ों के बारे में पता लग सके और वो भी उससे लाभ ले सकें। दोस्तों, जो पहला जो उपाय है तकिए के नीचे रख करके सोने का चीज़ का, वो है दोस्तों तुलसी का एक पत्ता। दोस्तों, तुलसी का जो पौधा है बहुत ज़्यादा पूजनीय होता है और सबसे ज़्यादा पूजनीय होती तुलसी माता। तो दोस्तों, तुलसी का जो एक पत्ता होता है ना, इस पत्ते में भगवान श्री हरि विष्णु, यानी तुलसी के हर पत्ते पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है और तुलसी का जो पौधा होता है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों, इसमें माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का दोनों का आशीर्वाद छिपा रहता है। तो यदि हम तुलसी के पत्ते को तकिए के नीचे रख करके सोएंगे तो हम पर माता लक्ष्मी की कृपा तो बनेगी ही, साथ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास भी होगा, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा हम पर बनी रहेगी और हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का अटल जो है साथ रहेगा। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में से कभी भी लक्ष्मी की समाप्ति नहीं होगी, अर्थात धन की कभी भी हानि नहीं होगी। ये आप में धन की हानि हो गई है और आपके पास पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है और आप बहुत बजाब परेशान चल रहे हैं, तो आप तुलसी का पत्ता जो है अपने तकिए के नीचे रख करके सोएं और सुबह उठ करके उस तुलसी के पत्ते को खा लें। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो आप करेंगे ये आप रविवार को कभी भी नहीं करेंगे, यानी तुलसी के पत्ते को रविवार को नहीं तोड़ा जाता है, तो आप रविवार को इस तुलसी के पत्ते को कभी भी नहीं तोड़ें। अगला है दोस्तों मोरपंख। यदि आप अपने तकिए के नीचे मोरपंख रख करके सोते हैं तो आपकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, मोरपंख यदि आप अपने तकिए के नीचे रख करके सोते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। मोरपंख बहुत ज़्यादा शुभ होता है और आपकी जो कुंडली में जितने भी दोष लगे हुए हैं, जितने भी आपके भाग्य को नष्ट कर रहे हैं और जितनी भी कुंडली में आपके जितने भी दोस्त हैं दोष हैं, जैसे राहु, केतु और भी बहुत सारे दोष होते हैं, मंगल वगैरह, वो सब आपके कटना शुरू हो जाते हैं। अर्थात मोरपंख जो है वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है दोस्तों, और इससे आपके कुंडली में लगे दोष खत्म हो जाते हैं। इसलिए रोज रात को आप मोरपंख रख करके भी तकिए के नीचे सो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ये चाहते हैं कि आप हमेशा गरीबी में जूझ रहे हैं और आप अपने पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप तकिए के नीचे 1 रुपये का सिक्का रख करके जरूर सो सकते हैं। दोस्तों, ये सिक्का 1 रुपये का भी हो सकता है, 5 रुपये का भी हो सकता है, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है। यदि आप रोज 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का रख करके आप तकिए के नीचे हमेशा सोते हैं तो इससे आप
किसी भी गरीब को दान कर दीजिए। आप सुबह उठ करके उस 1 रुपए के सिक्कों को किसी भी गरीब को दान कर दीजिए। यदि रोज आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या खत्म हो जाती है, धन संबंधी परेशानियां खत्म हो जाती है। और वो जो 1 रुपए का सिक्का आप रोज दान करते हैं, ऐसा लोग व्यापारी लोग करते हैं ताकि उनका जो धंधा है, उनका बिजनेस है, वो दिन दूनी रात चुगनी वृद्धि करता रहे और उनके जीवन में कभी भी पैसे की हानि नहीं हो। इसके अलावा जो भी कोई भी धार्मिक वस्तु, आप धार्मिक वस्तु भी अपने तकिए के नीचे रख करके सो सकते हैं। जैसे कोई भी धार्मिक वस्तु हो सकती है, अब जैसे यदि आप इसको रखेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है, आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाती है और आपका आपके जो भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है। तो वह धार्मिक वस्तु कौन सी हो सकती है? अब वो धार्मिक वस्तु जैसे हो सकती है ओम। यदि आप ओम रख करके आप अपने तकिए के नीचे रख करके सो सकते हैं। इसके अलावा और भी शुभ लाभ भी आप रख करके सो सकते हैं। कोई भी वो धार्मिक वस्तु होनी चाहिए, सतिया हो सकता है, चांदी के सिक्के पर जो सतिया बना हुआ होता है, चांदी के सिक्के और माँ लक्ष्मी बनी हुई होती है, ऐसे कोई चिन्ह होते हैं जो धार्मिक धर्म से संबंधित होते हैं, जैसे ओम हो गया, श्री हो गया, सतिया हो गया, ये सब जो चिन्ह हैं, इन चिन्हों को आप अपने तकिए के नीचे रख करके सो सकते हैं। इससे आपकी किस्मत जो है, सोई भी किस्मत चमक जाती है, भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आपको उतना फल नहीं मिल पाता, तो ये आपके भाग्य की कमी की वजह से होता है। यदि आप अपने भाग्य को, दुर्भाग्य को भाग्य में बदलना चाहते हैं, अर्थात दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ों को अपने तकिए के नीचे रख करके सो सकते हैं। अब आप जैसे बहुत ज़्यादा परेशानियों में हैं, आप हमेशा परेशानियों में जूझ रहे हैं, आपका जीवन परेशानियों में गुजर रहा है, तो आपको तकिए के नीचे आपको क्या रख करके सोना चाहिए? आपको लोहे की चाबी रख करके सोना चाहिए। यदि आप तकिए के नीचे लोहे की चाबी रख करके सोते हैं, उससे भी आप जितनी भी परेशानियाँ हैं वो भी आपसे दूर हो जाती है। यानी आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं जीवन में, अब आप किसी भी तरीके से परेशान हो सकते हैं, जैसे कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है, कोई दूसरी चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई पैसे संबंधित परेशानी है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी इससे समाप्त हो जाती है यदि आप तकिए के नीचे लोहे की चाबी रख करके सोते हैं। तो अब अगला जो है दोस्तों वो ये है कि आप यदि आपको बृहस्पति दोष लगा है यार, अर्थात आपके जीवन में धन धान्य की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, आपको बृहस्पति दोष लगा है, कुंडली में किसी ने बताया कि आपको बृहस्पति का दोष है, तो दोस्तों आप क्या करें, आप एक हल्दी की गांठ लें और हल्दी की गांठ को तकिए के नीचे रखें। तकिए के नीचे रख करके 7 दिन तक आप हल्दी की गांठ को तकिए के नीचे रख करके सोएं, तो ऐसा करने से आप पर लगा बृहस्पति का दोष समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है, भगवान बृहस्पति की कृपा आप पर बनती है और आपके अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब खत्म हो जाती है और सकारात्मक शक्तियां आ जाती है और कुंडली के जितने भी दोष हैं वो भी आपके समाप्त हो जाते हैं। यानी आपके पास जैसे पैसा नहीं आ रहा था, क्योंकि बृहस्पति का दोष जिसमें लगा रहता है उसके पास पैसे की कमी हमेशा चलती रहती है, अर्थात उसको पैसे की कमी का सामना करना पड़ता है, तो बृहस्पति दोष यदि समाप्त हो जाएगा तो आपको पैसे की कमी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इससे आप पैसे की कमी का कभी भी सामना नहीं करेंगे, आप में बृहस्पति जो दोष लगा है वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद अगला जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कारगर उपाय है। जैसे आप बहुत ज़्यादा पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं, धन आता तो है लेकिन आपके घर में रुकता नहीं है, आपकी किस्मत सो गई है, आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा नहीं चमक रही, आप तरक्की के रास्ते पर थे लेकिन अब तरक्की के रास्ते पर नहीं हैं, आपकी तरक्की कैसे भी नहीं हो पा रही है, आप अपने जीवन में पैसे की समस्या को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर आपको लंबी बीमारी से कोई पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं और आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, आप अपने घर में कुछ भी नहीं कर पाते, न बाहर कर पाते हैं, नौकरी की तलाश में जाते तो नौकरी नहीं मिलती, बिजनेस की तलाश में जाते तो बिजनेस नहीं चलता, व्यापार की तलाश में जाते तो व्यापार नहीं चलता, या किसी भी दूसरे कार्य की तलाश में भी जाते हैं तो वो भी नहीं होता, अपने जीवन साथी से अनबन बनी रहती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बात बात पर आपके परिवार में, परिवारजन में तनातनी हो जाती है और भी बहुत सारे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके घर में हो गए हैं। यदि इनमें से एक भी नेगेटिव चीज़, नकारात्मक चीज़ आपके घर में है और आपके जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब आपके जीवन में विपरीत हो रहा है, दुश्मन आपके पीछे पड़ गए हैं, तो दोस्तों आज ये वाला जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ ये लास्ट उपाय है और ये बहुत ज़्यादा कारगर उपाय है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको तकिए के नीचे, यदि इन सब चीज़ों को रखने से भी आपका काम नहीं होता है, तो आपको तकिए के नीचे एक लहसुन की कली आपको 21 दिनों तक रख करके सोना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको एक लहसुन की कली को 21 दिनों तक आपको तकिए के नीचे रख करके सोना है। अब लहसुन की कली कैसी होनी चाहिए, आप उस लहसुन की कली का छिलका नहीं उड़ाएंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, बस लहसुन की गांठ होती है, लहसुन की गांठ में से लहसुन की कली निकाल लेंगे और उसको तकिए के नीचे रख करके सोएंगे। यदि आप 21 दिनों तक ऐसा करेंगे तो आपका जो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर थी या जो भी आपका दुर्भाग्य हो रहा था वो पूरा का पूरा आपका भाग्य में बदल जाएगा।
यानी कि ये जितने भी उपाय मैंने आपको आज बताए थे, जैसे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी, आपका कुंडलिनी दोष समाप्त हो जाएगा, आपके पैसे की समस्या समाप्त हो जाएगी, ये सारा सब कुछ एक लहसुन की कली रखने से आपका हो जाएगा। यदि आप इतनी सारी चीज़ें नहीं रखना चाहते हैं तकिए के नीचे, तो केवल एक लहसुन की कली आपको अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के लिए प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा कर लेंगे, लहसुन की कली को रख लेंगे, तो आपकी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी आपके जीवन से, और आप हमेशा अपनी उन्नति के रास्ते को पाएंगे। आपके रास्ते में हमेशा तरक्की आएगी, सुख समृद्धि धन दौलत के भंडार आपके घर में बढ़ जाएंगे, और आपके जो शयन कक्ष है वहाँ पर यदि कोई वास्तु दोष था, कोई वास्तु दोष आपके घर में था, तो वास्तु दोष भी इस लहसुन की कली से खत्म हो जाता है। अब 21 दिन बाद इस लहसुन की कली का क्या करना है? तो दोस्तों, इस लहसुन की कली को आपको चौराहे पर जाकर के फेंक देना है। लहसुन की कली क्या करती है कि आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, या फिर आपके कमरे में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सोते समय वो सब अपने आप में ग्रहण कर लेती है और आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है। अर्थात आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन देगी, पॉजिटिव ही आप रहेंगे। तो ऐसा इससे करने से क्या होता है कि आप में जितने भी दोष थे वो नकारात्मक शक्तियों के कारण थे। अब वो नकारात्मक शक्तियाँ तो आपकी रहेगी नहीं, तो इस कारण से आपके दोष जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। नकारात्मक दोष सब खत्म होने के बाद आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होगा, और जब कुछ सब कुछ सकारात्मक होगा तो कोई आप कार्य शुरू करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो मेहनत करने के बराबर ही आपको फल मिलेगा। आप कोई कार्य शुरू करेंगे तो उसमें कभी भी रुकावट नहीं आएगी, आपके तरक्की के रास्ते हमेशा बुलंदी की तरफ छूते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो मैंने आपको बताया। लहसुन की कली जो है तकिए के नीचे रखना बहुत ज़्यादा कारगर होता है। 21 दिनों तक रखें और उसके बाद इसको बाहर ले जा करके चौराहे पर फेंक दें और वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, ताकि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा जरूर बनी रहे, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी जरूर लिखिए दोस्तों, इससे भगवान श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। कमेंट को जरूर कीजिए, अपनी राशि जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके राशिफल जरूर बता सकें, और आपसे जुड़ी कोई भी समस्या है उस राशि की उस महीने में तो हम बता देंगे। और साथ में आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, ताकि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय लक्ष्मी मैया।